गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। आज बेटा जो है हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके वेरियस टाइप बताए थे हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, और इनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन जो है क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले मीनिंग, ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, कंपनी क्या होती है। ए कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहे हैं, ए कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का अभिप्राय उस व्यवसायिक संगठन से है, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है विच इज विलिंगली एस्टैब्लिशेस सम पर्सन फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनी एक्ट। क्या कह रहा है कि इसके अंदर कह रहा है कि कुछ जो व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि इच्छित रूप से, इच्छा से, विलिंगली का मतलब बिना किसी प्रेशर के, कह रहा कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कंपनी एक्ट के अंदर जो है इस प्रकार के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है उसको हम कंपनी कहते हैं। कह रहा है कि मनी पर्सन जो है कि इन्वेस्टेड कैपिटल इन ए कंपनी, कंपनी में बहुत सारे लोग जो है, कुछ इस प्रकार के जो समूह जो लोग जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और इसलिए इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको ज्वाइंट स्टॉक ऑफ कंपनी भी कहते हैं। क्या कह रहा है, मीनिंग जो है ए कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का अभिप्राय एक फॉर्म, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस व्यवसायिक प्रारूप से है विच इज विलिंगली, जो इच्छित रूप से एस्टेब्लिश्ड इसको स्थापित करते हैं, बाय सम पर्सन कुछ लोगों द्वारा, अर्निंग प्रॉफिट लाभ कमाने के पर्पज से अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अंदर। कह रहा है मैनी पर्सन बहुत सारे लोग ज्वाइंटली सामूहिक रूप से करा कि संयुक्त रूप से इन्वेस्ट कैपिटल पूंजी जो है वो विनियोग करते हैं इन ए कंपनी, कंपनी में, एंड देयरफॉर और इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसलिए इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा कि इसमें वेरियस जो मनी जो पीपल है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी जो कैपिटल है, इसके जो शेयर है वो ट्रांसफरेबल है, यानी कि ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है, यहाँ जो शेयर है उनको बाइंग और सेलिंग किया जा सकता है। और कह रहा कि इसमें मेनली जो है किसी भी प्रकार का कोई शेयर जो ट्रांसफर जो है इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। और कह रहा कि कंपनी एक्ट जो है इसको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डेंस को इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर करवाते हैं, परंतु अब जो है कंपनी एक्ट 2013 जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है, इस प्रकार का इसको स्थापित करने में ये नियम जो है, अब ये अधिनियम जो लागू होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फीचर ऑफ कंपनी, कंपनी की विशेषताएं, यानी कि कंपनी जो है इसकी किस प्रकार की फीचर्स जो है वो अवेलेबल होती है, यानी कि कंपनी में कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो होती है। तो नंबर एक, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कह रहा है कि कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कुछ ऐसे व्यक्तियों का संघ होता है जो कि इनकॉर्पोरेटेड होता है, रजिस्टर्ड होता है। कह रहा है कि किसके, कंपनी एक्ट 1956 या कह रहा है कि 2013 के अकॉर्डिंग को रजिस्टर्ड किया जाता है। नो सिंगल पर्सन, कह रहा है कि कोई भी इकला व्यक्ति जो है कंपनी जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता, कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए मोर देन वन पर्सन जो है इसकी नीड होती है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है, इनका इनकॉर्पोरेशन जो है असंसद होता है, जरूरी होता है, इसलिए कह रहा कि हाँ जो है कह रहा कि इसमें इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है इसका होना जरूरी है, कि यानी कि इसका मतलब ये है कि हाँ जो है यानी कि इसको रजिस्ट्रेशन करवाना। कह रहा कि मेनली कंपनी जो है ये टू टाइप की होती है, एक है पब्लिक कंपनी होती है, दूसरी जो है प्राइवेट कंपनी होती है। कौन सी होती है बेटा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, मेनली टू टाइप की कंपनी होती है। तो कह रहा है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो है 7 मेंबर जो है
उनकी इंडिया रिक्वायरमेंट होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम जो है मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन जो है वो कंपनी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता, और इसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन जो है वो असेंशियल है, कंपलसरी है। दूसरा जो पॉइंट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी जो है ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि कृत्रिम बनावटी व्यक्ति है, ये एक नेचुरल जो है पर्सन नहीं होता, परंतु क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है। इनको क्रिएटेड, कंपनी को क्रिएटेड करने के लिए कह रहा है कि इसको लॉ द्वारा क्रिएट किया गया है। ये कह रहा है जो ही कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कह रहा है कि ये क्या करता है, जैसे फिजिकल, जैसे ऑर्डिनरी पर्सन जो होता है फिजिकल वर्क करता है उस प्रकार से वर्क नहीं करती, परंतु कह रहा है इसके पास वो सारे राइट होते हैं जैसे कि एक सामान्य जो व्यक्ति होता है जिसके पास अधिकार होते हैं, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकता है, ये किसी के अगेंस्ट है फाइल सूट कर सकता है, इसके अगेंस्ट में फाइल सूट की जा सकती है, ये किसी से एग्रीमेंट कर सकता है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार का एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कह रहा है कि इसकी जन्म देने वाली इसकी माता नहीं होती, कह रहा है कि ये लॉ द्वारा इसको क्रिएट किया गया है, और कह रहा है कि इसकी नो बॉडी एंड श्योर, इसके कोई शरीर या आत्मा नहीं होती। इस प्रकार जो होता है इसको हम इसलिए इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के नाम से जाना जाता है, इसको कृत्रिम बनावटी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इसमें मेनली जो है इस प्रकार की जो होती है चीजें जो है, क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको लॉ द्वारा जो क्रिएटेड किया गया है, इसकी कोई यानी कि जैसे हम जो है नेचुरल पर्सन होते हैं, ये नेचुरल पर्सन है होकर के आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी कह रहा है कि कोई शरीर या आत्मा नहीं होती। ये कह रहा है कि जैसे हम फिजिकल वर्क करते हैं इस प्रकार से फिजिकल वर्क नहीं करते, इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, एक सार मुद्रा होती है, इसके बेसिस पर इसको यानी कि संचालित किया जाता है। कह रहा है कि और ये जो है दो डायरेक्टर जो है उनके जो विटनेस के रूप में सिग्नेचर के रूप में किए जाते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, अलग से अस्तित्व, यानी कि कोऑपरेटिव जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंपनी एक्ट 1956 या कह रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवा दिया जाता है, तो ये कह रहा है कि अपने आप में एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है, इसका अलग से एक अस्तित्व हो जाता है, और जो भी इसका अलग से अस्तित्व होता है इट मीन्स ये अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, ये किसी से एग्रीमेंट कर सकती है, ठीक है, ये इसके किसी के अगेंस्ट फाइल सूट कर सकती है, इसके अगेंस्ट फाइल सूट किया जा सकता है। कह रहा है कि इस प्रकार की इसमें ये जो चीजें हैं वो मिलती हैं, और कह रहा है कि ये इसमें जो इनकी जो शेयर होल्डर है इनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है इनके शेयर पर। कह रहा है कि इस प्रकार की इसमें फीचर्स है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है क्रिएटर सक्सेशन, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक है हम ये कह सकते हैं स्थायी अस्तित्व होता है इसका, यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो होती है, क्योंकि कॉपरेटिव सोसाइटी है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं, तो ये एक स्टेबिलिटी बन जाती है। इट मीन्स वी कैन से दैट यानी कि मेंबर्स मे कैन एंड मेंबर्स मे गो बट कंपनी एट फॉर एवर, यानी कि किसी सदस्य के आने या जाने से कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, करा कि कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है। इस प्रकार की इसमें चीजें ये करा कि ये कंपनी द्वारा कोई भी इस प्रकार का कॉन्टैक्ट या तो इस प्रकार का जो किया जाता है, कह रहा है कि ये शेयर होल्डर के लिए लाइबल नहीं होता, और शेयर होल्डर द्वारा जो है ये गई कोई भी इस प्रकार का कॉन्टैक्ट है वो कंपनी के लिए लाइबल नहीं होता। कॉमन सील, नेक्स्ट क्या है कॉमन सील, कॉमन सील में क्या बताएगा कि कंपनी जो है इसको हमने कहा कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक कृत्रिम बनावटी व्यक्ति है, ये नेचुरल पर्सन नहीं होता, जैसे हम एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है फिजिकल वर्क करता है उस प्रकार से ये वर्क नहीं करती। कह रहा है कि ये क्या है, ये इसकी एक कॉमन सील होती है जो इसको हम सार मुद्रा कहते हैं। कह रहा है कि जो भी यानी कि इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स होता है उसको यानी कि इसके ऊपर जो है कॉमन सील लगाई जाती है, इसकी एक सार मुद्रा जो होती है एक और जो है वो लगती है, और वो कह रहा है कि सेक्रेटरी जो होता है उसके पास होता है, और कह रहा है कि इसके कह रहा है कि दो डायरेक्टर द्वारा इसके ऊपर जो है एज ए विटनेस के रूप में सिग्नेचर किए जाते हैं। तो इस प्रकार का इसमें ये जो है ये फीचर्स कॉमन सील जो है इसकी ये फीचर्स भी अवेलेबल होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कह रहा है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बेटा क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं
उनको ट्रांसफर एबिलिटी है, यानी कि उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि इट मींस वी कैन से दैट शेयर्स है उनको बाइंग और सेलिंग किया जा सकता है। जैसे पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में बिना पार्टनर्स के अप्रूवल के कह रहा कि कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट है, अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसमें इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। यानी कि बैंकिंग कंपनी मैंने बताया दो प्रकार की होती है, एक पब्लिक कंपनी और एक है प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में इस प्रकार के जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयरों को ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट जो है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कह रहा है कि यहाँ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि कंपनी जो है ये लार्ज स्केल पर होती है और इसमें वेरियस जो है ओनर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो है मालिक होते हैं और इनका जो डिस्टेंस है काफी दूर होता है, दूर तक ये स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं और कह रहा है कि इनमें डेली रूटीन जो है उनकी एक्टिविटीज जो है उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए ये जो है ये डेली रूटीन से जो इस प्रकार की एक्टिविटीज उनको चेक नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं ये जो शेयर होल्डर होते हैं जो ओनर्स होते हैं इनके द्वारा करा के एक है जो इलेक्टेड किया जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड किया जाता है जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है, कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसको मैनेजिंग करने का काम करता है। इसलिए कह रहा है कि हाँ जो है कह रहा है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है डिपेंड होता है, क्योंकि एक्चुअल में कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर जो है पूरे देश में फैले हुए होते हैं, इवन कंपनी के डेली रूटीन जो है उनको वो चेक नहीं कर पाते हैं। इसलिए कह रहा है कि इसको मैनेजिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है जो जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ जो इसका जो मालिक है, जो मैनेजमेंट और जो ओनर्स है वो एक सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। रिस्क बियरिंग कह रहा है कि इसमें जोखिम जो है उसका बंटवारा जो होता है, क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा का पूरा जो रूल्स है ओनली सिंगल पर्सन जो है उसके ऊपर आता है। पार्टनरशिप में क्या है कि कुछ इस प्रकार के जो पार्टनर्स है उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, परंतु कंपनी जो है इसमें क्या है यानी कि अमन जो पर्सन जो है मेंबर जो है इसके पार्टनर्स वो शेयर होल्डर होते हैं। इसलिए कह रहा है जो भी नोशन होता है, इसलिए कह रहा है कि जितने भी शेयर होल्डर है उनमें इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसकी कंपनी में जो यहाँ पर मोर रिक्स या हाई रिक्स जो है इस प्रकार के चांसेस होते हैं, तो कह रहा है कि उसमें फॉर्मो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो है कंपनी जो है उसको चूज करते हैं, क्योंकि कंपनी जो है इस प्रकार के रिस्क को कवरेज करने के लिए यानी कि इसमें इस प्रकार की कैपेबिलिटी होती है, इसमें इस प्रकार का जो है एक कैपेसिटी होती है, इस प्रकार की एक उसमें इस प्रकार की क्षमता होती है ताकि इस जोखिम को सहन कर सके और जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि इसमें रिस्क बियरिंग जो है यानी ये हम ये कह सकते हैं कि जोखिम जो है जोखिम सहन करना जो है ये कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार से कंपनी में जो इस प्रकार की जो रोसिज है उसको बियर कर सकते हैं, इसको सहन कर सकते हैं, इसको